अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं आप लोग भाइयों, क्या हाल है सबका, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल राइड पे, बलतना पार्क जा रहे हैं हम लोग आज, और वहीं पे करेंगे नाश्ता और होपफुली इंशाल्लाह सब कुछ खैर कैसे चले। तो अभी मैं जा रहा हूँ भागता हुआ। एक्चुअली हमारा एक बंदा है जिन्हें, उसके पास हेलमेट नहीं है, तो उसको हेलमेट पर पहनाएंगे पहले, और उसके बाद वी विल ऑल थ्री विल गो इंशाल्लाह टू बलतना पार्क। एक्चुअली हम लोग सो राइडर के साथ जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे, तो वहाँ जाके पहले कतर स्पोर्ट्स क्लब में इकट्ठे होंगे और उसके बाद जाके वहाँ से 9 बजे चलने का रहता है। ये खड़े हैं जी बाकी के दो तक। बंदा कोई बात ना भूले। ये बैग बुट्स में डाले यार बैग। हम अब वी आर जस्ट गेटिंग इनटू कतर स्पोर्ट्स क्लब। अब हम कतर स्पोर्ट्स क्लब पहुंच रहे हैं क्योंकि कतर स्पोर्ट्स क्लब में ही है सब कुछ, यानी यहाँ पे बाइकर्स वगैरह सब इकट्ठे होते हैं और ये एक हब बन चुका है कतर स्पोर्ट्स क्लब बाइकर्स के लिए स्पेशली। तो जी सारे हम बाइक जोन से हैं और रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे चाय चल रही है, पता नहीं जाएंगे कब, लेट हो रहे हैं मुझे लगता है। क्यों भी लग रहा है, टाइम ठीक है, 9 बजे निकलेंगे, 9 बजे घड़ी के 9 बजे और किसके बजने से 9 बजे। लाइन अप का बोल दिया कैप्टन ने, तो अब हम करेंगे लाइन अप। क्यों भी चल भी नाइट रोड हो जा स्टार्ट। हमारी ये ट्रिप तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स का है, ऑल द वे टू बलतना पार्क। जगह पे और बलतना पार्क आएगा।
ये देखें फ्रेश, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंगली फ्रेश। यहाँ ओवन है और यहाँ पे फ्रेश रोटी लगती है, ये तवा है और काफ़ी हॉट है, हीट काफ़ी आ रही है। ये सब मीठे की दुकान, मीठा मीठा मीठा, जो मीठे वाले लवर हैं उनके लिए भी यहाँ सब सामान है। तो ये कुनाफा होगा 100% बात है, तो ये कुनाफा ही ऐसे करते हैं ये लोग प्रिपेयर। चाय, चाय एंड कॉफ़ी। तो ये हॉट बेवरेजेस का सेक्शन है जैसे चाय एंड कॉफ़ी बनती है ओनली, और वो कोल्ड बेवरेजेस, लेकिन कोल्ड बेवरेजेस कौन पिएगा। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, अमेजिंग एनवायरनमेंट। हम लोग बैठे हुए बाद अंदर तो है ना, कुछ उतार दे अंदर क्यों ऐनक पहनी भी। अच्छा फोटो सेशन करवा रहे हैं, अच्छा अच्छा फोटोग्राफर देखो ज़रा। ओहो दिखा कैसी फोटो आई है, इसमें दिखा ज़रा। ओ यार नहीं यार, ऐसे लग रहा है ऐसा लग रहा है कहीं बाहर बैठा है वो, इतनी बुरी फोटो, ये इतनी बुरी फोटो। अपना सैंपल निकालो बाद यार, याद दे दे हर वीडियो देख क्या बन रही है। अमीर क्या हाल, क्या कर रहा है तेरे पास नींद की भाई, अभी तो मोटरसाइकिल चला के आया तू, डर ही लगता है मुझे तुझसे, तुझसे मुझे डर ही लगता है, पता नहीं सो सोना मोटरसाइकिल चलाता चलाता। नहीं अच्छा वीडियो में ना डर, क्यों वो कैसे जुनेद को क्यों यार तूने लाने के लिए कहा यार, अच्छा खासा हमारा टाइम चला था। दिल की बात निकल आई आखिरकार, क्या बात है क्या बात है, मानते नहीं हो वैसे। हिल की सेल्फियां चेक कर रहा, खूबसूरत सेल्फियां ले रहा अपनी, क्या बात क्या बात। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. खाना फाद और वही साहब जबरदस्त जबरदस्त, टोटली रिकमेंडेड। क्यों जी जबरदस्त, अच्छा क्वारंटीन से बाहर आया और पहले जो भरा हुआ था वो यही रह गया बस, लेकिन अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला बहुत ही मजे का था खाना। नहीं यार मेन आइटम खत्म हो गया और काफ़ी हैवी है, और ये पूरी थाली जो सी 180 रियाल के करीब है और बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें काफ़ी सारे आइटम हैं, दूध मलाई और अखरोट का जो ज़बरदस्त बीच में टच था, और ये देखिए ये ज़ातर का भी है और ये मीठा था शायद बर्फी टाइप कुछ, और बहुत कुछ ज़बरदस्त ऑप्शंस थे खाने के, और फ्रेश सैलड खोए वाली बर्फी हलोमी, और ये थी जी मलाई। हाँ क्या बात है, मलाई खा के तो मज़ा ही आ गया। चाय बहुत ही ज़बरदस्त थी क्योंकि ये इधर वो गाय वैसे उधर ही है, अच्छा फ्रेश उधर से ही दूध निकाल उधर से ही निकाल उसके नीचे बैठ के बनाते हैं, उधर ही फ्रेश बाज उधर से ही निकलता साथ ही। ओह क्या गाइस बहुत मज़ा आया वल्लाह, टोटली रिकमेंडेड होटल है ये मलकना, आप ज़रूर ट्राई करें, 180 रियाल इज वर्थ, ये आप एक दफ़ा लाइफ को इन्जॉय कर सकते, बल्कि ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मज़ा आ गया। सो अज़म आउट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट फूड स्पॉट ब्लॉग। मैं हूँ यार AZM को आज़म कहने लग गए, वो वाह आज़म नाम जफर मुगल ब्लॉग। ओह रेत का तूफान है लेकिन हम लोगों को एक ही काम है।